इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। उमूमन मौलाना मुफ्ती, इनका जब जिक्र आता है तो मस्जिदें या तो फिर मदरसे अपनी आंखों के सामने आते हैं, इमामत करते हुए या तो बच्चों को पढ़ाते हुए। मदरसों में आपने मुफ्ती मौलानाओं को देखा होगा, जो यहाँ पर बेलगाम शहर में एएस ग्रुप की जानिब से किया जा रहा है। ये एएस ग्रुप में 25 उलमा इकराम इसमें हैं और वो अब फ़िलहाल ऑयल की एजेंसी उन्होंने ली हुई है। इन लोगों ने जो जद्दोजहद की है, कोशिश की है और उनकी जो जारी है कि ये एक वेस्टल नाम का एक ऑयल है जो ऊपर से लेकर यानी कि जो मैन्युफैक्चरर से लेकर आखिरी बेचने वालों तक उलमा इकराम इसमें शरीक है। यह पहली मर्तबा हो रहा है, शायद हमारी तो नज़र में इस तरह से नहीं आया। लिहाजा वो हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती तुफैल साहब के ज़ेर मातहत और मौलाना आसिफ और मौलाना बिलाल ये भी यहाँ पर हैं, तो इनके ज़ेर मातहत तमाम देखा जा रहा है कारोबार। तो हम इस तरह का जो इकदाम उन्होंने किया है उस ताल्लुक से वो क्या कहना चाहेंगे और क्या आवाम को पैगाम देंगे इसके? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला नबीय्यिल्लाह। काबिल एहतराम बुजुर्गों और अज़ीज़ उलमाए किराम, दरअसल ये भी काम नबियों ही का काम है। जो ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इबलाग़ की और दावत की दी थी, ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए हज़रात अम्बिया ने भी जिद्दोजहद की है, बिज़नेस किया है, कारोबार किया है। हर नबी का अपना अलग अलग मशगला रहा है। ख़ुद हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपड़ों की तिजारत फरमाया करते थे, मुल्क शाम जो है वो सामान ले जाना और लाना। फिर आप ही के ज़ेर तहत रहते हुए हज़रत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने भी बड़े बड़े बिजनेसेस किए हैं। हत्ता के आज तक भी हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हुमा, इन दोनों के अकाउंट्स आज तक भी चल रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने कारोबार भी संभाला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मातहती में रह कर के एक सच्चे जन्नती बनने का सबक भी दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्ताजिरु सदूक मअन नबियीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। एक सही तिजारत करने वाला इंसान कल क़ियामत में उसका हशर नबियों के साथ, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। तो तिजारत एक बहुत बड़ी इबादत है, एक ज़िम्मेदाराना इबादत है। जब तक आदमी पैसा नहीं कमाएगा, बिजनेस नहीं करेगा, न वह हज कर सकता है, न वह ज़कात दे सकता है, न वह सदक़ात दे सकता है, न अतियात दे सकता है, न वह मस्जिद बना सकता है, न मदरसा कायम कर सकता है, न गरीबों के काम आ सकता है, न किसी मुफलिस का जो है वो तीमीदार बन सकता है। ये सारे इबादतों को बजा लाने के लिए इंसान के पास माल का होना और हलाल माल का होना बेइंतहा ज़रूरी है। अब हम जो हालात से गुज़र रहे थे, खुसूसन लॉकडाउन के ज़माने में, हर इंसान एक कश्मकश के आलम में था। किसी के घर में रोटी बन रही है, किसी के घर में रोना चल रहा है, किसी के घर में आयश भी हो रहा है। मगर एक हमारी जो बिरादरी है, उलमा की बिरादरी, इसका निगहबान तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला है। कई हमारे साथी ऐसे हैं जिनके घरों के भी ये हालात रहे हैं, तो हमें एहसास हुआ कि क्यों हम उम्मत के पैसों पर और उनके माल पर निगाह रखें। हमारी निगाह तो सिर्फ़ और सिर्फ वाहिद ज़ुल जलाल की ज़ात पर होगी और हम हज़रात अम्बिया ही के नक्श कदम पर चलते हुए, सहाबा ही के नक्श कदम की जस्तजू करते हुए हमें एक सही तरीके से एक हलाल बिजनेस जो है वो करें। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए उलमा ने बारहा मशवरा किया और फिर इस चीज़ को लेकर के हमने एक प्रोडक्ट जो है शुरू किया है ऑयल का, जो वेस्टल के नाम से मारूफ है। इसी तरीके से फौरन हमारा दो हफ्ते के बाद इंशाल्लाह एक और कारोबार शुरू होगा जो मैन्युफैक्चरिंग होगी हमारी यमएस में, और वो नेल्स होंगे जो सेंटरिंग के लिए और कारपेंटर्स वगैरह के लिए लगते हैं। ये सब उलमाए किराम ही का होगा और इसका नफ़ा उलमा ही को और आइम्मा को और मुआज़िरीन को और जो हमारे साथ चल रहे हैं उनके लिए बिलखुसूस हमने ये बनाया है। अब ये जो चीज़ है, ये दरअसल हमारे कुछ दोस्त हैं जो यूएसए में दुबई में रहते हैं, उनकी फैक्ट्री है और जो पूरे नदवी उलमा हैं हमारे साथ में, वहाँ पर किसी तरीके की गुंजाइश नहीं होती कि
किसी ऑयल में उसको रिसाइकल किया जाए या कोई मिलावट की जाए, जो प्योर आता है उसी प्योर को देना है, इसलिए कि दुबई की जो महकमा है, जो हुकूमत है, वो बाकायदा चेक करती है, उस पर लॉन्चिंग की जाती है और बाकायदा उनकी निगरानी में इस ऑयल को तैयार किया जाता है। तो ये ऑयल की एजेंसी बेलगाम शहर के उलमाए किराम ने ले ली है, जो दुबई से बराह रास्त आता है और कंटेनर से आ रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सब तरफ जा भी रहा है। और हमने खुसूसन जो मार्केट में जो ऑयल दस्तियाब हैं उससे कम में हमारा रेट रखा है। ऐसा नहीं कि जो है वहाँ से आ रहा है तो हमने इसको महंगा रखा है, बहुत कम मुनाफे में रखा है और कम दाम में रखा है, ताकि उम्मत मुस्लिमा की ज़रूरत को पूरा किया जाए। और सिर्फ हम 200 और 250 रुपये के तहत में जो है 1 लीटर का ऑयल दे रहे हैं, जो वर्जिन भी है और पूरा 100% 1000 ml जो है वो उसमें मिलता है, 900 ml नहीं होता है। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक ताला हमारे मिशन को कामयाब करे, उलमाए किराम और उनके घर की जो ज़रूरियात हैं अल्लाह तबारक ताला अपनी तरफ से जो है उसका तकफ़ुल और इंतज़ाम करे, और हम लोगों की निगाह सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर हो और इस कारोबार को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खूब नफ़े के साथ और जो है बेहतरीन अंदाज से जो है वो जारी वसारी करे, और इसका इख्तिताम भी जो है सही तरीके से हो। हमारे पास में 2-व्हीलर 4-व्हीलर के साथ साथ में हमारे पास ट्रक का ऑयल भी है और कंटेनर्स के ऑयल भी हैं, GCB के ऑयल भी हैं और शिप के ऑयल भी हैं। अगर ये ना हो कि सिर्फ 2-व्हीलर और 4-व्हीलर है, बल्कि हमारे पास हर किस्म के ऑयल भी हैं और उसके साथ हमारे पास गोल्डन ग्रीस भी है, जो साउथ अफ्रीका से सीधा हमारे पास आता है और बेहतर है और बहुत कम दाम में भी है, ग्रीस भी हमारे पास में मिलता है। आप सभी हजरात से गुजारिश है कि लेना और आपकी गाड़ी में डालना तो है ही है, और जगह से भी आप डालते हैं तो भी चलेगा, मगर अगर यही चीज़ अगर आप उलमाए किराम से ख़रीद के डालते हैं तो दोहरी जो है वो नफ़े की बात होगी। एक तो आपके लिए बेहतर चीज़ मिल रही है आपकी गाड़ी के लिए, और वर्जिन और 100% प्योर मिल रहा है। दूसरी चीज़, उलमाए किराम के बिज़नेस का ताउन भी हो रहा है। अगर आप इस नीयत से लेते हैं कि अगर हम उलमा की कंपनी से लेते हैं तो चलिए इसका 10-5 रुपये जो भी प्रॉफिट है वो उलमा को नसीब होगा, तो इसमें आपको सवाब भी मिल रहा है और आपकी गाड़ी के लिए भी बेहतर है। तो दो तरीके से आप प्रॉफिट में रहेंगे। आप सभी से गुजारिश है कि आप इस हमारी टीम को जो है मजबूत करें और इसके कारोबार को वसी करें। फिर आइंदा बहुत सारे ऐसे अजाइम हैं हम उलमाए किराम के, इंशाल्लाह हम उसको वक्तन फ़ौक्तन जो है उसको आवाम के बीच में लाते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। जैसा अभी मुफ्ती साहब ने कहा कि उलमाए किराम तिजारत में अपने खाली अवकात में ये तिजारत करने का इरादा रख रहे थे, जिसके पास जितना वक्त था उस एतबार से वो अपना वक्त पेश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 25 उलमाए किराम, जिसमें अइमा किराम भी है 13-14, फिर मुहतमीन भी है, मदरसे के मुदर्रिसीन भी हैं, और फिर मकाती वगैरह पढ़ाने वाले असातिज़ाए किराम भी है। अभी फ़िलहाल ये 25 का ग्रुप है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम चाह रहे हैं कि ये तो एजेंसी हमने 25 ने ली है, बाकी जितने भी उलमाए किराम हैं उनको भी रियायती दाम में इसको दिया जाएगा, और अगर वो भी तिजारत करना चाहें उसके बारे में, चूँकि हमारे पास ये पूरा बेलगाम ज़िला है, पूरे ज़िले की हमें एजेंसी मिली हुई है, तो पूरे ज़िले में तकरीबन 10 के करीब तालुके हैं। हर तालुके के जितने भी उलमाए किराम हैं उनसे भी हम अपील करना चाहते हैं कि इस सिलसिले में जो है वो अगर वो तिजारत करना चाहते हैं तो हम उन्हीं को उलमा उहफाज ही को ज़्यादा फोकियत देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये डबल माइलेज, इसमें आवाम का भी फ़ायदा है, चूँकि हम जो आम तौर पर हम जो गाड़ी में डालते हैं वो 2000-2500 रनिंग के बाद हमें चेंज करना पड़ता है, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये 100% वर्जिन गैर इस्तेमाल शुदा होने की बुनियाद पर ये ऑयल जो है ये 5000 प्लस रनिंग हर डब्बे के ऊपर आप देखेंगे 100% वर्जिन का आपको लोगों मिलेगा, और ये 2-व्हीलर जो है 5000 प्लस माइलेज देगा, और जबकि कार वगैरह 3-व्हीलर 4-व्हीलर जो है ना वो जो है ना वो ऑटो वो 10000 प्लस देगा, फिर कार जो है ना वो 15000 प्लस, मतलब हर एक प्रोडक्ट का अलग। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हर तरह के ऑयल्स दस्तियाब हैं, और तमाम से हम उम्मीद करते हैं कि ये जो है आप अपने गाड़ी में अपना हमारा ऑयल डालिए और फिर साथ साथ में उलमाए किराम की हेल्प कीजिए। इस एतबार से जो है तमाम उलमा से भी अपील करता हूँ कि जो भी उलमा हुफाज इस कारोबार में शरीक होना चाहते हैं, इस तिजारत करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह उनको ट्रेनिंग दी जाएगी किस तरह से करना है, अपने खाली अवकात में करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला शुरू हो चुका है। तो तमाम से जो है दुआ की दरख्वास्त है, मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस सिलसिले को और आगे बढ़ाए। माशाल्लाह शायद ये पहली मरतबा ज़िले बेलगाम के अतबार से इज्तमाही तौर पर उलमा हुफ्फाज़ आइम्मा की फ़िक्र में सबसे ज़्यादा हिस्सा लेने वाले
हमारे मुफ्ती तुफैल साहब और मौली आसिफ साहब और मैं भी इनका माविन साथ में और इसी तरह हमारे सारे उलमा फ़िक्र के साथ इस काम को उठाए हैं। तो हमारे शहर के अतबार से जितने टू व्हीलर और थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर के जितने मिस्त्री हैं और इस ज़िले के अतबार से जितने भी हमारे मिस्त्री हैं इस लाइन से जो मिस्त्री और इंजन के काम करते हैं उन सब से दरख्वास्त है कि सिर्फ एक नस्बत पर ऐसे तो मदारिस और मकातिब और इमामत ये तो हमारा पहला दर्जा है खिदमत का। दूसरे दर्जे में हम लोग तिजारत को इसलिए लिए हैं ताकि किसी के ख्याल में ये ना रहे कि साहब ये तो हमारे हम पैसे देंगे तो इनकी इमामत या मदरसा चलता है, बल्कि हमने इस तिजारत को इसी नस्बत से शुरू किया है। आइंदा अल्लाह ताला अगर इसको और बढ़ाएंगे अल्लाह से उम्मीद है इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह ये काम इमामत का खिताबत का और मदरसे की खिदमत का इंशाल्लाह लिल्लाह करने की नीयत के साथ हमने ये काम शुरू किया है। अल्लाह से उम्मीद है हमारी नीयत के मुताबिक अल्लाह की तरफ से ताउन होगा। पहला दर्जा तो अल्लाह की ज़ाती है लेकिन आवाम से ये काम मुतालिक है, इसलिए आप तमाम से दरख्वास्त है कि इसमें उलमा की नस्बत को एक कायम रखते हुए और उसकी नस्बत को कीमती बनाने के लिए आप हजरात इसमें हमारा खूब ताउन करें, बढ़ चढ़ कर इस ऑयल को लें और अपने टू व्हीलर में फोर व्हीलर में और जो भी इससे मुतालिक मिस्त्री हैं उनसे भी आप कांटेक्ट करा के इन उलमा की इस तिजारत को बढ़ाने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है तमाम हमारे भाइयों से कि इंशाल्लाह इसको उलमा की तिजारत होने के से और ज़्यादा अहमियत दी जाएंगी। अल्लाह ताला इन कोशिशों को खूब कबूल फरमाए। जिन लोगों ने इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे उलमा भटकल और यहाँ से हमारे उलमा उफाज जितने भी हैं हर एक इसमें कोशिश और मेहनत कर रहे हैं, सब अइम्मा उफाज उलमा मुदर्रिसिन को अल्लाह खूब कबूल फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मुफ्ती तुफैल साहब जिन्होंने AAS ग्रुप के नाम से जो एक 25 उलमाओं की जो एक तिजारती एक काफिला बनाया हुआ है उसमें जो है उन्होंने ऑयल की एजेंसीज के तमाम तफसीलात पेश किए। यकीनन हम जो उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के वक्त यह एहसास हुआ कि किस कदर एक उलमा बिरादरी को एक अलग तरीके से रखा जाता है और उन तक ख्याल नहीं किया जाता, लिहाजा ये अपने कदमों पर खड़े होने का जो फ़ैसला किया है वह अकेले काबिल तारीफ़ काबिल सताइश है। लिहाजा हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनकी कमाई में इनकी कारोबार में बरकत अता फरमाए। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।